तो गाइस अपनी स्केच को मैंने डिजिटल पेंटिंग में कन्वर्ट किया है और इसकी स्कैन्ड कॉपी को मैंने फोटोशॉप में इंपोर्ट किया है और मोर देन 80% काम इसमें ऑलरेडी हो चुका है। तो लास्ट कुछ कलर वर्क रह गया था वो जो मैं कर रहा हूँ और वो आप देख सकते हैं। ऐसे आर प्रेस कर कर माउस ड्रैग करके आप कैनवास को सीधा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सिलेक्शन बनाई हुई है ऑलरेडी बोर्ड की जिस पे वाइट वाइट डॉटेड लाइंस आप देख रहे हैं, ये मैंने बनाया इसलिए है ताकि जो पीछे का बैकग्राउंड कलर है उससे मैं कंफर्टेबली पेंट कर सकूं। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको सिलेक्शन बनाने की ज़रूरत है तो आप सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और आर्टवर्क में जो मेन ऑब्जेक्ट है उसकी सिलेक्शन बना सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो पीछे का बैकग्राउंड कलर है उसे आप बहुत ही ईजिली पेंट कर सकते हैं या स्केच कर सकते हैं या फिर जो भी मीडियम आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आप जो काम करना चाहें कर सकते हैं। तो मैंने एक सोर्स इमेज ले रखी है, राइट साइड बॉटम में आप देख सकते हैं कि एक शिकारी की पिक्चर है और इसका मैंने एक कलर पैलेट बना रखा है जिससे कि मुझे पेंट करने में आसानी हो। तो इस तरह से आप एक इमेज नेट से डाउनलोड कर भी सकते हैं और पेंट के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे आप कलर पैलेट भी बना सकते हैं। और कलर पैलेट बनाने के लिए मैं दो वेबसाइट्स यूज़ करता हूँ, एक तो कैनवा है और एक एडोब है। तो आप दोनों में से कोई भी वेबसाइट इस्तेमाल कर सकते हैं कलर पैलेट बनाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊं तो वो भी मैं बना दूंगा कि कलर पैलेट बनाते कैसे हैं। कैनवस को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं ताकि आप इजीली पेंट कर पाएँ। आप उसको 90 डिग्री, 180 डिग्री जैसे आप चाहें उसको आप कन्वर्ट कर लें। और ये मैंने ट्रांजिशनल वे में दिखाया है एक ब्लैक एंड वाइट आर्टवर्क को पेंटेड वर्क में।